हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द पब्लिक हेल्थ रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि कोई ऐसा बिरला ही घर होगा जिस घर में वो ना हो, जो हर खाने में, लगभग हर खाने में यूज़ की जाती है, गार्निशिंग में, स्टफिंग में, और उसकी खुद की अपनी सब्जी भी बनती है। वो क्या है, सोचिए सोचिए सोचिए, वो है टमाटो। जी हाँ, टमाटो एक ऐसी चीज़ है जो लगभग इंडिया में हर घर में पाई जाती है और वर्ल्ड में भी। इस तो आज हम टमाटर के बारे में क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी तक ये वीडियो को स्क्रॉल करते करते आपने हो सकता है टमाटो के फ़ायदों के बारे में सर्च किया होगा, बट मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, ऐसे फैक्ट्स और कुछ फियर्स वाली चीज़ें भी बताने वाली हूँ जिनको जान के आज आप शॉक होने वाले हैं। वो क्या है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जैसा कि आप टमाटो के बारे में जानते जानते बहुत सी वीडियो को देख चुके होंगे और आपको इसके फायदे लगभग पता ही लग गए होंगे, बट स्टिल मैं आज फिर भी जल्दी जल्दी इसके फायदे गिनवा देती हूँ। टमाटो बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स, इवन मिनरल वाटर का सोर्स है मैं कहूँगी। टमाटो में विटामिन ए पाया जाता है जो कि हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। टमाटो में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे गम्स के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। टमाटो में विटामिन के पाया जाता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी मस्कुलर एनर्जी के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। टमाटो में होता है लाइकोपीन जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करता है और आपकी स्किन पर ग्लो लाने में भी मदद करता है। और टमाटो में इन सभी विटामिन्स और इस लाइकोपीन होने की वजह से ये एक एंटी कैंसर एजेंट भी होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है विटामिन ए की भी है, विटामिन सी की भी है और लाइकोपीन की भी है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज को कम करता है और कैंसर होने से रोकता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दैट इज व्हाई टमाटो इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेजिटेबल टू बी ईटन इन ऑल द काइंड ऑफ क्यूलिनरी क्विजिन्स इन इंडिया। नॉट इवन क्विजिन्स, इट इज यूज्ड फॉर गार्निशिंग ऑल्सो, इट इज यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स ऑल्सो। टमाटो आप इतना अच्छा है तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसा क्या बताने वाली हूँ जो कि ये दूसरी वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है आज की वीडियो, और जिसको जान के रियली में आपको लगेगा कि आज आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज पाई है और उसको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि आप इससे होने वाले कुछ नुकसानों से बच सकें। और आपको आज ये पता लगने वाला है कि टमाटर को खाते कैसे हैं और किस चीज़ के साथ इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ अगर आप इसको मिलाकर खाएंगे तो ये आपको बेनिफिट की बजाय आपकी बॉडी को हार्म देने वाला है। तो पहली ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुतायत तौर पर यूज़ की जाती है, जूसी कुकुम्बर। तो पहला ऐसा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन वो है क्या, वो है टमाटो एंड कुकुम्बर। तो टमाटो और कुकुम्बर को आपको साथ में मिला के बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप कुकुम्बर और टमाटो को साथ में खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिड फॉर्मेशन होता है और ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का टाइम ऑफ डाइजेशन, जितना टाइम ये पचने में लेते हैं वो बहुत ही अलग है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक चीज़ पहले पच जाती है, दूसरी चीज़ काफ़ी देर तक आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ी रहती है, तो उसकी वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस होने की वजह से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और आपको हार्ट बर्न और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए आपको इन दोनों को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है मिल्क। आपको टमाटो को मिल्क के साथ में बिल्कुल नहीं खाना है। ये क्या मैं बोल रही हूँ, टमाटो के साथ में मिल्क कोई भी नहीं खाता, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, सैंडविचेस में, बर्गर वगैरह में टमाटो के साथ में मिल्क लेते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और साथ में हम बर्गर या कोई सैंडविच वगैरह खाते हैं उसमें टमाटो होता है। तो मिल्क और टमाटो हमें साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, इनकी तासीर भी अलग है। मिल्क की तासीर गर्म होती है जबकि टमाटो ठंडा होता है। दूसरा क्या है कि मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे कि आपको टमाटो का फ़ायदा बिल्कुल पूरा नहीं मिल पाता है और तासीर में बिल्कुल उल्टा होने की वजह से भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी ये चीज़ है कि आपको टमाटो और स्पिनच नहीं खाने हैं। देखिए, आपने कभी देखा है कि पालक पनीर में टमाटर पड़ता हो, क्या आपने कभी देखा है कि कढ़ी में टमाटर का छौंक लगता हो, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि हमारे पुरखों को पता था कि ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग हैं।
ये कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, हमारे पुरखों को तक को पता था, बट आज की जनरेशन को ये बात नहीं पता है कि आपको दूध के साथ या दूध की बनी चीज़ के साथ में टमाटर नहीं लेना है, आपको पालक के साथ में टमाटर नहीं लेना है। क्यों क्यों नहीं लेना है आपको पालक के साथ में टमाटर? क्योंकि पालक में होता है ऑक्जालेट, और टमाटो भी रिच सोर्स ऑफ ऑक्जालेट होते हैं, और ऑक्जालेट का कंटेंट जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो लोग जिनको किडनी डिसीजेज़ है ये उन लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर ऐसे नॉर्मल लोग भी अगर इसका कॉम्बिनेशन बहुत यूज़ करते हैं तो ये उनके अंदर किडनी स्टोन की फॉर्मेशन करवा सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड टू ईट स्पिनच एंड टमेटोज टुगेदर। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है? फोर्थ कॉम्बिनेशन होता है टमेटोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली पास्ता, ब्रेड, मैदा, जो प्रोसेस्ड रिफाइंड व्हीट होता है, यानी कि मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें के साथ में हमें टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारा जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे ओवरबर्डन हो जाता है उनको पचाने के लिए, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम या चेस्ट पेन की प्रॉब्लम आपको उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स से बनी हुई चीज़ों के साथ में टमाटर नहीं खाना चाहिए। तो ये तो मैंने अब आपको बताया कि इसके साथ नहीं आपको खाना चाहिए। हाँ, ये टमाटर अगर आप ओवर ईट करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? पहला साइड इफ़ेक्ट होता है ओवर ईटिंग ऑफ टमाटो करने की वजह से लाइकोपिनोडर्मिया, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपिन का कंटेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपको लाइकोपिन की एक्सेस बॉडी में होने की वजह से आपकी स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसको हम लाइकोपिनोडर्मिया का नाम देते हैं। एक्सेस अमाउंट में मोर देन रिकमेंडेड डेली अमाउंट अगर आप टमेटोज खाते हैं तो उसकी वजह से आपको स्किन में एलर्जीज, इचिंग, स्किन इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन इन टमेटोज। अब थर्ड, क्या ये आपको कर सकता है? इट कैन कॉज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ऑलरेडी ग्रसित हैं ये उनके अंदर ट्रिगर कर सकता है उनके सिम्टम्स को, यानी कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या फिर दोनों में से कुछ भी मिक्स तरह का जो IBS होता है उसको भी ये ट्रिगर कर सकता है अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ऑलरेडी ग्रसित हैं तो। अब अगला क्या साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, कि ये कर सकता है डायरिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला या अदर बैक्टीरियाज। अगर हम उन टमाटोज को धोकर अच्छे से नहीं खाएंगे या अच्छे से पका के नहीं खाएंगे तो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट कैन लीड टू डायरिया। और क्या ये आपको कर सकता है? ओवर ईटिंग ऑफ टमाटो कैन लीड टू थिनिंग ऑफ ब्लड इन दोज पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी ब्लड थिनिंग एजेंट्स या मेडिकेशन का सेवन कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये इंटरफेयर करता है या इंटरैक्ट करता है विद दीज मेडिसिंस, और उनके अंदर ये रक्त स्त्राव या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है ओवर ईटिंग ऑफ टमाटोज का, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिटी, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, इट कैन क्रिएट हार्ट बर्न एंड गैस्ट्रिक अपसेट, क्योंकि ऐसे लोगों में गैस्ट्राइटिस हो जाती है, क्योंकि उनके स्टमक में ज़्यादा मात्रा में एसिड कंटेंट होने की वजह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती है, और जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। आपको क्या पहले ये सब साइड इफ़ेक्ट पता थे? बिल्कुल नहीं पता होंगे, आज आपने इसके साइड इफ़ेक्ट जाने। ये तो आपको पहले से ही पता था कि ये बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन आज आपने ये जाना कि ये अच्छा है इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि एक्सेस में अगर आप खाएंगे तो आपको इसके बेनिफिट मिलने की बजाय इसके नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। एक और इसका खास साइड इफ़ेक्ट है, वो है ये कि अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में खाते हैं तो ये किडनी डिसीज़ कर सकता है, ये स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है। स्टोन फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी की वजह से जो लोग ऑलरेडी किडनी डिसीज़ से पीड़ित हैं उन लोगों को तो टमाटर खाने के लिए बिल्कुल मना करा जाता है, उन लोगों के लिए टमाटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो वो लोग प्लीज़ इसके हेल्थ बेनिफिट्स लेने के चक्कर में टमाटर प्लीज़ ना खाएं। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको जान के आप रियली में वाओ आश्चर्यचकित हो जाने वाले हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? वो होती है वेट लॉस करवाने की। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन तरह की वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने डेली बिजी शेड्यूल से बहुत टाइम निकालना पड़ता है,
काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, अपडेट रहना पड़ता है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप इसको लाइक शेयर ज़्यादा करते हैं, पसंद करते हैं, हमें ये महसूस करवाते हैं कि हाँ रियली में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अपने नेक्स्ट अपडेट्स को लेके आने के लिए आप लोगों तक। ठीक है, और उन लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को इसकी काफ़ी ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कुछ हेल्थ से रिलेटेड ऐसी बातें फैला सके जो उनको हेल्दी रहने में या डिसीज़ को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, और हम भारत की जनता को अच्छे से अच्छा हेल्थ स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराने में उन लोगों की हेल्प कर सके। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में एक ऐसी बात लेके आने वाली हूँ जिसको जान के रियली में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली वो लोग जिनको कि डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या जिनको ओबेसिटी या ओवरवेट की प्रॉब्लम है। वो चीज़ क्या मैं अब बताने वाली हूँ, वो ये कि टमाटो एक ऐसी चीज़ है जो इन सभी लोगों के लिए, यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ओबेसिटी या ओवरवेट से जो लोग ग्रसित हैं, अगर वो लोग टमाटर खाते हैं तो उनको अपनी इन प्रॉब्लम से निजात पाने में काफ़ी छुटकारा मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी होता है, तो ये हमारा सेल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इसलिए डायबिटीज़ में जो है इंसुलिन रिलीज काफ़ी अच्छे से होता है। और दूसरा क्या कि इसके अंदर जो है कैलोरीज बहुत कम होती हैं, लगभग 100 ग्राम टमाटो के अंदर ओनली 20 कैलोरीज होती है, तो अगर आप 1 किलो भी टमाटो खा लेंगे तो आपको सिर्फ 500 किलो कैलोरी ही मिलेगी। कहने का मेरा मतलब है कि टमाटो आप जितना जी भर कर खाइए, पेट भर के खाइए, बट हाँ रोज़ रोज़ नहीं जी भर के खाना है, कोशिश करिए कि आप नॉर्मल डेली रिकमेंडेड अमाउंट के अंदर ही इसको खाएँ। वो कितनी होती है वो भी मैं वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको बता दूंगी। अब वेट लॉस वाले लोग हैं, जो ओबेज लोग हैं, जो ओबेसिटी या ओवरवेट के शिकार हैं, ऐसे लोगों को इसकी कम कैलोरी, यानी कि पर 100 ग्राम में कम कैलोरीज होने की वजह से वो अगर इसको खाते हैं तो उनको काफ़ी देर तक सटाइटी महसूस होती है, उनको फूड क्रेविंग नहीं होती है, ज़्यादा देर तक आप भरा हुआ महसूस करते हैं। इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो भी आपको मिलते हैं, आपको अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और आपको वेट लॉस करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। दूसरे वो लोग जिनको कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो लोग अगर टमाटो का सेवन करते हैं तो उससे भी उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग भी अगर टमाटर खाते हैं तो उनका डायबिटीज़ का लेवल कम हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर फाइबर का कंटेंट होता है और कैलोरीज़ भी कम होती है, जिसकी वजह से आपका जो है शुगर बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से, वो धीरे धीरे होता है, जिससे कि आपको डायबिटीज़ को मेंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चीज़ें बताने वाली हूँ वो क्या है, वो ये है लाइकोपीन के बारे में। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके सप्लीमेंट्स भी बाज़ार में मिलते हैं, तो अगर आप टमाटो से इसको लेते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे ओब्वियसली, बट लाइकोपीन को अगर आप एक्सेस खाएंगे तो उससे आपको लाइकोपिनोडर्मिया हो सकता है, और लाइकोपिनोडर्मिया ना हो उसके लिए आपको कितना टमाटर लेना है वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ लाइकोपीन की होती है 4 to 30 मिलीग्राम पर डे, और एक टमाटो में लगभग 7 मिलीग्राम लाइकोपीन होता है। तो अगर आपको 4 से लेकर 30 मिलीग्राम पर डे का खाना है और एक टमाटर आपको 7 मिलीग्राम की लाइकोपीन दे रहा है, तो आप कितने टमाटर खा सकते हैं? आप खा सकते हैं लगभग एक टमाटर से लेके 5 टमाटर तक, अगर आप नॉर्मल अगर आप खाएंगे तो उससे आपको लाइकोपीन की अधिकता से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।